एमपी साहब, जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दिया है और नीतीश कुमार जी ने कार्यभार भी संभाल लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर? ठीक है, ये तो उनका अपने स्टेट का मामला है, इसमें उनका कोई रद्दबदल होती है, कुछ होती है, तो इसका ताल्लुक उससे नहीं है इस वक्त। मतलब ये है कि संगठन से नहीं है, बल्कि ये उनके उनकी उनके सूबे से ताल्लुक है इस बात का। इसमें लौट फेर ये है किसको क्या बनाए या क्या हो, क्या रद्दबदल होनी चाहिए, तो वो तो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है। और ये इसको इसमें इसमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, यानी जो बिल्कुल संगठन सारी पार्टियों का बनने जा रहा है, हम इसमें कोई अपनी तरफ से जाति डिमांड नहीं रखें, बल्कि हम यही कहें कि किसी किसी भी शक्ल में संगठन नहीं टूटना चाहिए और संगठन बाकी रहना चाहिए, चाहे हमें अपने सूबे का कोई कसर भी उठानी पड़े तो वो उठानी चाहिए, लेकिन उसको कामयाब बनाना चाहिए संगठन को सारी लेकिन जेडीयू नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री का जो दावेदारी है वो नीतीश कुमार जी की रहेगी, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, किसकी है किस। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। नहीं देखिए, अभी प्रधानमंत्री बनाने की बात हम तो नहीं कह सकते किसे बनाया जाए, लेकिन ये जो संगठन बना है इसमें 28-29 जितने भी पार्टियां शामिल हैं, वो बैठकर जो भी फार्मूला तय करेंगे हम उस फार्मूले पर अमल करेंगे। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका कहना है कि अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकती है तो हमारी पार्टी ही दे सकती है और वही हराएगी भी उसको। तो ठीक है, उन्होंने पहले भी हराया है और वो ये बात कर रही है, तो अपने